गूगल क्रोम आज के टाइम पे कौन नहीं इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपने एंड्रॉइड फोन के ऊपर आप ब्राउजर गूगल क्रोम ब्राउजर को जरूर इस्तेमाल कर रहे होंगे। इस वीडियो को पूरा देखना है, इसके अंदर मैंने आपको बताए हैं टॉप 3 गूगल क्रोम सीक्रेट सेटिंग्स जो आपको ताक लगा देंगे। मतलब इस सेटिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इसके अंदर कुछ ऐसे चीज ऐसे तगड़ा चीज सीख पाओगे और कर पाओगे, आप बाद में खुद ही बोलोगे वाह भाई वाह। तो आइए बात करते हैं टॉप 3 गूगल क्रोम सेटिंग्स के बारे में जो आपको बेशक पसंद आने वाले हैं। हेलो गाइस, आप सभी देख रहे हैं डार्क टेक्नोलॉजी, जहां पे हम लोग बात करते हैं टेक्निकल गैजेट्स, एंड्रॉइड टिप्स ट्रिक्स एंड बेस्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में, और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह रोनी स्टार्क। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आप जैसे ही गूगल क्रोम को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसे ब्राउजर दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीजें करना है। जैसे कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये एक बॉडी स्प्रे आप कह सकते हो, और यहाँ पे हमारे सामने आते हैं और एक चीज गूगल क्रोम के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक कैमरे का बटन आते हैं, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस कैमरे के ऊपर हमें क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हमारे सामने कुछ ऐसे दिखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे हमें कैमरे के ऊपर टैप करना है। जैसे ही यहाँ पे हम लोग टैप करेंगे इसको हमें एक फोटो खींचना है, कुछ इस तरीके से हम चाहे तो इसको एज ए फोटो ऐसे खींच सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट को ढूंढना चाहते हैं, उसका नाम अता पता कुछ नहीं आपको पता है, लेकिन वो प्रोडक्ट की एक फोटो आपके पास है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसको आजमा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहां पर नीचे की तरफ आपको इस प्रोडक्ट को लेकर जितने भी इंफॉर्मेशन है वेबसाइट के ऊपर या फिर कहीं पर भी ये प्रोडक्ट मिलते हैं, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन यहां पर से आप एक फोटो के जरिए आप निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं, अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे इसको आप तुरंत चुटकी भर में बाय भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बस बॉडी स्प्रे के ऊपर काम करते हैं, ये आप किसी भी तरीके की चीज़ के ऊपर, अगर कोई बंदे का फोटो है उसको आप पहचानते नहीं हैं, अब जानना चाहते हैं ये बंदा कौन है, इसका फेसबुक प्रोफाइल कौन सा है, वो भी उसका फोटो यहाँ पे अपलोड करके या फिर खींच के उसका फेसबुक प्रोफाइल भी आप यहां पर से पता कर सकते हैं। चलिए आप बात करेंगे इसका कुछ सिक्योरिटी के बारे में जो आपको बेशक जानना चाहिए, आपके फ़ोन के अंदर क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, आप किस किस चीज़ से बच सकते हैं, वो भी हम यहां पे कवर करेंगे इस 3 टिप्स के अंदर। अब 2 नंबर टिप्स पे हम क्या करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद सेटिंग्स दिखने को मिलते हैं, यहां पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहां पे क्लिक कर देते हैं आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि यहां पर आपको दिखने के लिए मिलेंगे पासवर्ड मैनेजर, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देते हैं यहां पर देखिए, अब ये जो सेव पासवर्ड ये है इसको आप डिसेबल करके रख सकते हैं, इससे क्या होगा आपके जितने भी पासवर्ड होगा कोई भी वेबसाइट के ऊपर वो सेव नहीं होंगे। उसके बाद एक कमाल के सेटिंग से ऑटो साइन इन, इसको अगर आप इनेबल करके रखते हैं तो आप जिस वेबसाइट के ऊपर पहले अकाउंट बना के रखे थे तो दोबारा जैसे आप वहां पे विजिट करेंगे ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएंगे, इसको चाहे तो आप बंद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप कभी कभार चाहते हैं कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं वहां पे साइन इन ना हो तो इसको बंद करके आप लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ बैक आना है, बैक आने के बाद यहां पर आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे और एक कमाल के सेटिंग्स पेमेंट मेथड, ये आपके सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही कमाल की सेटिंग्स है, यहां पे क्लिक कर देना है एंड यहां पे अगर आप कोई भी पेमेंट मेथड पहले ऐड करके रखे थे, मतलब आपके कोई कार्ड वगैरह, वो यहां पे शो करेंगे, आप चाहे तो उसको यहां पर से रिमूव कर सकते। मेरे केस पर मैंने यहां पे कोई भी कार्ड ऐड करके नहीं रखे। तो यहां पे आप अगर चाहते हैं आप किसी भी तरीके की चीज खरीदते हैं ऑनलाइन के जरिए, उस टाइम पे आपके कार्ड के जो एड्रेस है वो यहां पे सेव ना हो तो इसको आपको ऑफ करके रखना होगा। उसके बाद आपको यहां पे दिखने के लिए मिल जाएंगे, यहां पर देखिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहां पे आप लोग क्लिक कर देते हो यहां पर देखिए सेव ब्राउजिंग का ऑप्शन रहेंगे, यहां पर इंटरेस्ट प्रोटेक्शन इसको आपको इनेबल करके ही रखना है। इसको अगर आप इनेबल कर देते हो यहाँ पर आपके गूगल, मतलब आपके जो अकाउंट है वो किसी भी तरीके से हैक नहीं होंगे, आपके पास कोई भी वायरस वगैरह नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई वायरस वगैरह की मतलब वेबसाइट के ऊपर जैसे आप विजिट करोगे गूगल आपको इन्फॉर्मेशन देगा, नोटिफिकेशन देगा कि भाई इस वेबसाइट से आप बाहर जाइए या आपके फ़ोन के लिए बहुत खतरनाक है। आप यहाँ पर इस तरीके से अपने मतलब सिक्योरिटी को और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर और भी कमाल के सेटिंग्स है, इस बारे में हम डेडिकेटेड और भी वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहते हैं तो। और यहां पर और एक ऑप्शन है, यहां पर डू नॉट ट्रैक्ट, इसको आपको ऑफ करके रखना है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आप जहां पर भी विजिट करेंगे उस हिसाब से गूगल पकड़ लेगा कि भाई ये बंदा ये चीज को ढूंढ रहे हैं और उस हिसाब से भर भर के आपके सामने ऐड आने वाले हैं। मैंने आपको दो दो कमाल के सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में बताए हैं, अब बताने वाला हूं टॉप 3 सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में जो बहुत ही कमाल के हैं, आपके मानो आपके
किसी भी फोन है, मतलब मैं उतना खुलकर नहीं बता रहा हूँ, किसी भी फोन के अंदर अगर आप चाहते हैं कि उस फोन के फाइल मैनेजर को आप एक्सेस करें, लेकिन वो फोन लॉक पड़ा हुआ है, मतलब वो फोन का पूरा फाइल मैनेजर लॉक है, या फिर वो फोन के फाइल के अंदर कुछ फाइल छुपा के रखे हुए हैं, मतलब हिडन है, वो आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। रूम को ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, file फाइल, उसके बाद यहाँ पर आपको दो डॉट लगाना है, तीन बार स्लैश देना है, उसके बाद आपको लिखना है sdcard। जैसे ही आप लोग sdcard लिखोगे, उसके बाद वहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए मेरा फाइल मैनेजर पूरी तरीके से क्रूम के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो, यहाँ पर क्लिक करके पूरा सारे के सारे फाइल को चेक कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी चीज़ होगा वो आपको दिखा देंगे, मूवीज के अंदर क्या होगा, या फिर कहीं पर भी क्या क्या चीज़ है इस, मतलब ये जो फोन है, फोन के अंदर वो सारे के सारे चीज़ आपको यहाँ पर से दिखा देंगे। जैसे कि फेसबुक के अंदर जाते हो, यहाँ पर जितने भी फोटो वगैरह है वो भी यहाँ पर से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, फेसबुक के ऊपर ये फोटो है, इसके ऊपर क्लिक करके हम फोटो को भी चेक कर सकते हैं। इसको चाहो तो आप यहाँ पर क्लिक करके ना, मतलब देख सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप साइट, मतलब बड़ा करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अंदर ये जो फीचर्स है ये हर एक फोन में काम नहीं करते हैं, जो लेटेस्ट मॉडल है उसके ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन पुराने जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस है उसके ऊपर ये बखूबी से काम करेंगे। तो ये थी आपकी टॉप 3 क्रोम ब्राउजर के सेटिंग्स, और ऐसे ही कमाल के सेटिंग्स से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके ऊपर हम डेली लाइफ में आपके जितनी कमाल की चीज आते हैं उस बारे में हम वीडियो लाते रहते हैं। मुझे पता है आपके पास फेसबुक अकाउंट है, लेकिन आप चाहते हैं अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर एड फ्रेंड वो बटन को हटा के वहां पे फॉलो बटन ऐड करें, तो वो आप कैसे करेंगे मैंने आपको करके दिखाया है लेफ्ट वाला वीडियो पे। राइट वाला प्लेलिस्ट के ऊपर मैंने कुछ ऐसे एप्लीकेशन के बारे में आपको बताए हैं जो आमतौर पर लोग आपको कभी नहीं बताते हैं। बीच वाला गोल्ड बटन दबा के प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, था इन फ्यूचर और एक बार हमारा जरूर मुलाकात हो।